हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विटामिन B12 की कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक ज़रूरी विटामिन होता है जो अंडे, दूध, फिश, यीस्ट यानी खमीर, मीट, पनीर, दही, मशरूम, पालक आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी नॉर्मली बूढ़े लोगों में ज़्यादा आम होती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हम डाइट से विटामिन B12 लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी ये कमी बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में और ब्रेस्ट फीड यानी दूध पिलाने वाली माताओं में भी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनमें से कुछ आम समस्याएँ हैं। पहली है एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से रेड ब्लड सेल्स यानी जो लाल रक्त कण ब्लड में होते हैं उनके फॉर्मेशन में दिक्कत हो सकती है जो कि एनीमिया का कारण बन सकती है। तो इस एनीमिया की वजह से थकान हो सकती है, सुस्ती आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन B12 की कमी से हार्ट जो डिजीजेस होती हैं वो बढ़ सकती हैं, दिल की धड़कन भी गड़बड़ हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन B12 की कमी से आपके नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से बाकी पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में यानी काफ में आमतौर पर सुन्नता पैदा हो सकती है, चुभन हो सकती है, मसल्स में वीकनेस यानी मांसपेशियों में कमजोरी भी हो सकती है। कॉग्निटिव समस्याएं हो सकती हैं, दिमागी क्षमता में समस्याएं हो सकती हैं, दिमागी क्षमता कम हो सकती है, आपकी मेमोरी यानी स्मरण शक्ति कम हो सकती है, मानसिक संतुलन में थोड़ी असामान्यता भी हो सकती है, डाइजेशन यानी पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, गैस हो सकती है। B12 की कमी से पाचन तंत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। दांत और मुंह से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, दांतों में दर्द हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस स्थिति में आप एक डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपकी स्थिति को जानेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।